देखो इधर फटाफट, पहला था संसाधन में परिवर्तन, तो वृद्धि के इसमें क्या हुआ, मैंने कहा मान लो कि कोई आधा बीघा जगह और बढ़ जाती है तो मैं गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा करूंगा, चावल का भी ज्यादा करूंगा, 100 से 150, 40 से 60, और पीबीसी वक्त दाई ओर खिसक जाएगा, इसको बोलते हैं दाई ओर खिसकाओ, दाई ओर खिसकाओ, पीबीसी वक्र में दाई ओर खिसकाओ। इसमें क्या होगा, मैंने कहा मान के चलो सरकार ने यहाँ से वोट निकाल दी, तो जगह भाई आधा बीघा बची है, तो पहले मैं 100 और 40 का उत्पादन कर रहा था, अब इसका आधा आधा करूंगा, 50 और 20, इसको बोलते हैं बाई ओर खिसकाओ, क्या बोलते हैं, पीपीसी वक्र में बाई ओर खिसकाओ, बाई ओर खिसकाओ, हटाओ, इसका मतलब संसाधनों में वृद्धि होगी तो दाई ओर खिसकाओ हो जाएगा, और कमी होगी तो बाई ओर खिसकाओ हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखो तकनीक में परिवर्तन अगर होता है, इसके तीन केस बनते हैं भैया, अब तीन एक साथ अगर ऐसे ऐसे हो जाए तो ऐसे ही कर लेते हैं, ए केस बी एंड केस सी। ए में क्या होता है, अगर वस्तु एक्स के लिए एक्स की तकनीक कुछ तकनीक वाई में लगा दी जाती है, वाई के वस्तु एक्स के लिए अच्छी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी तकनीक, और यहाँ वस्तु वाई के लिए अच्छी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें दोनों वस्तुओं की तकनीक अच्छी तकनीक का प्रयोग है, और यहाँ दोनों ही वस्तुओं के लिए, दोनों वस्तुओं के लिए अच्छी तकनीक, अच्छी तकनीक। देखो भैया क्या होता है, वस्तु एक्स के लिए अच्छी तकनीक का मतलब क्या है, मैंने कहा ये पीपीसी वक्र था, गेहूं 100 क्विंटल, चावल 40 क्विंटल, मैंने गेहूं के लिए तकनीक बदल दी, हो सकता है मैंने अच्छे खाद डाल दी हूँ, हो सकता है मैंने सिंचाई का तरीका बदल दिया हूँ, कोई भी कारण हो सकता है। अब इससे होगा क्या, एक्स के लिए पड़ा है तो एक्स का उत्पादन मान लो 100 से बढ़कर 120 हो जाता है, उत्पादन को बढ़ाया, तकनीक का अच्छा प्रयोग किया है, तो इससे क्या होगा, चावल का उत्पादन बढ़ जाएगा। अब ऐसे यहाँ पर अगर वाई की बात करें तो अब की बात गेहूं का ले लो, हो सकता है मैंने गेहूं के लिए अच्छी खाद इस्तेमाल कर दिया, खाद की तकनीक और पालन का तरीका है, हो सकता है मैंने गेहूं के लिए पहले सिंचाई का जो था वो बारिश पर निर्भर था, अब मैंने ट्यूबवेल लगा दिए, अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा, जब मैं दोनों वस्तु बोलेंगे क्या, इसको आप एक्स पे परिवर्तन वाई परिवर्तन कह सकते हो, खिसकाव नहीं बोल सकते इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने दोनों के लिए अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया है तो ये बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे स्टार्टिंग में बना था, एक्स का उत्पादन भी बढ़ जाएगा, वाई का भी बढ़ जाएगा, इसको बोलेंगे दाई ओर खिसकाओ, और ये तकनीक में वो संसाधन में था, बड़े तकनीक के कारण होगा, वो संसाधन के कारण था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्जाम में बोल सकता है आपसे, बताओ पीवीसी वक्र में दाई ओर खिसकाओ का होता है जब संसाधनों में वृद्धि हो या दोनों वस्तुओं के लिए अच्छी तकनीक का प्रयोग हो, वो बोलेगा बताओ वाई ओर खिसकाओ कब होगा, जब संसाधनों में कमी हो जाए। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है अवसर लागत का, नहीं बता देता हूँ, अवसर लागत अवसर लागत का मतलब है एक अवसर का फायदा उठाने के लिए जो दूसरे की कॉस्ट होती है, जो दूसरे की लागत होती है, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है किसी साधन का दूसरा सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य अवसर लागत कहलाता है। तो मान लो मेरे पास अगर 4 ऑप्शन थे, मैं यहाँ बता देता हूँ, मैं खेत में अगर गेहूं उगाता हूँ तो 6,000 रुपये का होगा, चावल उगाता हूँ तो 5,000 का, गन्ना सोच करो 4,000 का, और कुछ हो गया मक्का सोच करो 5,500 या 3,000 रुपये का। तो आप क्या उगाते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, लेकिन अगर गेहूं नहीं मिलता फिर क्या उगाते हैं, चावल, चावल। तो ये आपकी अवसर लागत है, ये इसे टैग कर दिया, हाँ जी ये आपकी अवसर लागत है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। बाय बाय।